हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजिट। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग इसके पहले अभी मैथ पढ़ रहे थे कि बेसिक मैथ में कैसे सीखना है, कैसे जानना है, और मैथ आगे चल के जैसे टेट सी टेट या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिक उसके जो कॉन्सेप्ट है हमें क्लियर करने थे, इस वजह से हमने बेसिक शुरुआत उसकी करी है। फिर मैंने आप लोगों से बात कही थी टेट सी टेट की बैच की, टेट सी टेट के लिए हमें सिलेबस स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हमने जो फर्स्ट टॉपिक इसका उठाया है, सबसे पहले इसको हिंदी को लिया है कि अगर हम स्टार्ट करें तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में जो सबसे बेसिक चीज, जहां से हर बार क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में टेट सी टेट ले लें या कोई भी, मतलब चाहे पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो, कहीं पर भी किसी भी लेवल का एग्जाम होता है जिसमें हिंदी आता है, अगर वनडे एग्जाम्स हो, चाहे अधीनस्थ यानी कि जो यूपी ट्रिपलएससी की बात हो या किसी अदर स्टेट्स की बात हो, जहां पर भी हिंदी आता है फ्रेंड्स, तो यानी हिंदी से रिलेटेड यानी क्वेश्चन जब आते हैं तो वर्णमाला के क्वेश्चन आपको वहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। और हम इतने आसानी से आपको इसको समझाने वाले हैं, कहीं से भी आप पढ़े होंगे, लेकिन जब हमारा इस वीडियो को आप इसको पढ़ेंगे, इस हिंदी को यहां पर जैसे हम समझाएंगे, आप उसको बारीकी से समझेंगे, तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में आप गलतियां नहीं करेंगे, ये 100% मैं गारंटी लेता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसी क्रम में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला, अब अगर हिंदी वर्णमाला हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, हिंदी कैसे जन्मी, यानी हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी दैवीय यानी जो भाषा है वो संस्कृत है, यानी जो देवों की भाषा हम कहते हैं इसे हम संस्कृत कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ, जिसे हम दैवीय भाषा के नाम जानते हैं, देव भाषा भी कहते हैं, और उस संस्कृत से फ्रेंड्स जो हमारी यानी कि जो प्राचीन काल की जो लोक भाषा रही है वो प्राकृत रही है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत से लोक भाषा प्राकृत का विकास हुआ, और फिर प्राकृत से फ्रेंड्स अपभ्रंश का विकास हुआ, और उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी जो वर्तमान समय में जो हम बात कर रहे हैं, जिसका हम यूज करते हैं हिंदी का, तो वर्तमान समय में जो हिंदी है वो इसी क्रम में उसका विकास हुआ। सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में हमने खुद फेस किया, हमने इस क्वेश्चंस को देखा है, इसलिए हमें क्वेश्चन आपको बताना बहुत जरूरी समझते थे कि आपको कौन से हम पता हो। नेक्स्ट, अगर हिंदी हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हिंदी के बारे में जान लें कि हिंदी क्या है। हिंदी हमारी, हमारे देश की राजभाषा है, यानी हमारे देश की राजभाषा का दर्जा इसे प्रदान किया गया है, किसे, हिंदी को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हिंदी में भाषा, जो हमने कहा कि अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो जो लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में भाषा कहते हैं, तो ये भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है वाणी को उत्पन्न करना, वाणी को व्यक्त करना, ये भाषा कहलाती है। भाषा क्या है, ये हमारे संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, जिससे हम अपने विचारों को, भावों को और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इसे ही हम भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा के मुख्य तीन अंग हैं, भाषा के क्या हैं, मुख्य तीन अंग हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स, एक तो है वर्ण, जिसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, दूसरा है शब्द, जिसे वर्ड कहते हैं, और तीसरा है फ्रेंड्स वाक्य, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो जब भाषा के अंग की बात कर रहे हैं कि अगर इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम टॉपिक वर्ण को पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है फ्रेंड्स, वर्ण भाषा की न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई। अगर पूछे भाषा की क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई फ्रेंड्स वर्ण है। तो अब अगर वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण क्या है, वर्णों का संग्रह जो है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, हिंदी में जो वर्णमाला जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं, आ ई ऊ, ये क्या है, ये वर्णमाला है, और वर्णमाला यानी कि क्या है, ये वर्णों का समूह है, और इस वजह से इसे वर्णमाला कहा गया है। अब जो वर्णमाला है यानी जो वर्ण तालिका है, इसको फ्रेंड्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, एक तो कहा गया है स्वर, और दूसरा जो पार्ट है इसका फ्रेंड्स वो क्या है, व्यंजन है। हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों यानी कि जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, जिसमें हम अनुनासिक और अनुस्वार जो अंग और अहा है उसको भी हम उसमें इंक्लूड करते थे, लेकिन अगर वास्तविकता पूछे तो स्वर की संख्या केवल और केवल फ्रेंड्स 11 होती है, ना कि 13।
अंग और आहा जो है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहेंगे और आहा को विसर्ग कहेंगे। वो फ्रेंड्स यानी क्या है, वो स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस वजह से स्वर की संख्या क्या है, केवल और केवल 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इस तरीके की कि स्वर कितने हैं, कहीं 13 मिल जाता है, कहीं 11 मिल जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, जब भी कभी स्वर की संख्या पूछा जाए किसी भी एग्जाम में तो आपको वहां पे 11 टिक करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बचपन में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है, 33 बताइए कि इनकी संख्या कितनी है, 33 है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि जो वर्णों की संख्या वास्तव में है वो क्या है, वो 41 है। वर्तमान में जो हम वर्णों की बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है, 41 है। इस यानी कि हम बात करें सबसे पहले स्वर कि जो स्वर है जिसे हम इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, इसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो मेरे फ्रेंड्स इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक हश्व और दूसरा दीर्घ। हश्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, जो हश्व स्वर है उसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। और हश्व स्वर में जो वर्ण आते हैं वे कौन कौन से आते हैं, अ ई उ री, यानी छोटा आ छोटी ई छोटा उ और री। तो ये तो रहे हश्व स्वर। फिर हम दीर्घ की बात करते हैं, जिसे हमें बोलने में बहुत कम समय लगता है उसे हम हश्व कहते हैं, और जिन्हें बोलने में थोड़ा समय लगता है जैसे आ ई उ ए आए, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, आ बड़ा बड़ी बड़ऊ ए आए ओ आओ। इनकी संख्या जो दीर्घ स्वरों की संख्या है वो 7 है, और जो हश्व स्वरों की संख्या है वो फ्रेंड्स 4 है। अब हम बात करें कि स्वर क्या है, स्वर की अगर हम बात करें कि स्वर क्या है, वॉवल्स क्या होते हैं, तो वॉवल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे वर्ण जिन्हें यानी कि बोलने में हमें किसी अन्य वर्णों की मदद ना लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सके, ऐसे वर्ण जिन्हें जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, ये किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स का, तो का क्या है, का एक वर्ण ये होता है जो हलंत लगा होता है धन आ, तो ये क्या है, ये दूसरे वर्ण की मदद से बोला जा रहा है तभी जाके का होता है, इस वजह से इसे हम व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है, ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, इन्हें हम व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं ये किसी अन्य वर्ण की मदद से नहीं बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि स्वर को दो पार्ट में, एक तो हश्व और एक दीर्घ में डिवाइड किया गया। हश्व में कौन कौन से आते हैं, 4, इनकी संख्या 4 है, जो दीर्घ में आते हैं इनकी संख्या 7 है। इसी तरह से फ्रेंड्स व्यंजन को भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो व्यंजन को यहाँ पे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो मुख्यतः 5 भागों में से विभाजित किया गया है। कौन कौन से फ्रेंड्स व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन सबसे पहले, स्पर्श। स्पर्श का तात्पर्य इस बात से है कि जब भी हम कभी ऐसे वर्णों का यूज करते हैं जो चाहे हमारे दांतों के हेल्प से मदद से बोले जा रहे हैं, या हमारे ओष्ठ के मदद से बोले जा रहे हैं, या हमारे कंठ के मदद से बोले जा रहे हैं, ऐसे वर्णों को यानी कि हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स जो स्पर्श व्यंजन है इनमें इनकी संख्या जो है ये इनकी संख्या 27 बताई गई है, जबकि बहुत सारे बुकों में इसकी संख्या जो है फ्रेंड्स वो 25 आपको मिलती है। ऐसे यानी स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ग आते हैं, जैसे का वर्ग। का वर्ग मतलब क्या है फ्रेंड्स, का खा गा घा अंगा, तो ये का वर्ग हो गया। फिर क्या है, का अंगा के बाद चा वर्ग आ जाता है, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा वा वा मा। तो ये जो 25 यानी कि ऐसे जो वर्ग है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पावर, तावर्ग, ये सभी क्या हैं, ये फ्रेंड्स स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स ये जो ड और ढा जिसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये भी स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जो द्विगुण व्यंजन यानी जिसे हम ड, ढा के नीचे बिंदी लगी होती है, ढा के नीचे बिंदी लगी होती है, इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और ये स्पर्श व्यंजन के कैटेगरी में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, इस वजह से इसे स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? फ्रेंड्स या रा ला वा, ये जो चार व्यंजन है या रा ला वा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या चार है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला जो व्यंजन है जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी जब हम बोलते हैं तो कुछ ऊष्मा का यूज करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं फ्रेंड्स? इसमें सा, जिसे शरीफा वाला सा कहते हैं, षटकोण वाला सा कहते हैं, सरोता वाला सा कहते हैं, हा। तो ये जो चार वर्ण है मित्रों, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है वर्णमाला में फ्रेंड्स? इनकी संख्या चार है, सा 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 हा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करेंगे आगत व्यंजन। ये आगत व्यंजन क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? ये विदेशों से यानी कि ग्रहण किए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जो हमारे हिंदी भाषा के शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। अब यहां पे ये तो होता ज झ ज, लेकिन इसे होता ज फ। तो ये ऐसे दो व्यंजन है, इसे आगत व्यंजन कहा गया है, तो ये आगत व्यंजन हो गए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करें संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन यानी कि नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन फ्रेंड्स ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजन की सहायता से मिलकर बने हुए हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे जो छ है फ्रेंड्स, छ में का ये हलंत लगा हुआ है, का और धन सा, ये दोनों मिलकर जब बनते हैं फ्रेंड्स, तो ये छ बनता है। इस वजह से इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है, कि दो यानी व्यंजनों की मदद से जो अगला व्यंजन जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इसी तरह से ता और रा में मिलकर त्रा बना है, ग या ग्या बना है, समझ गया, सा और रा मिलकर स्रा बना हुआ है। इसे यानी कि इन चारों व्यंजनों को छ त्रं ज्ञा स्रा, यानी इन चारों व्यंजनों को फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये चार वर्ण आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है, यानी जो का से लेकर यानी का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये जो पांचों वर्ग हैं, इन वर्गों को भी अलग अलग कैटेगरी में किस तरह से विभाजित किया गया है, तो इसको हमने रखा हुआ है कि इससे सबसे पहले यानी कंठ। कंठ यानी क्या है फ्रेंड्स? ऐसे वर्ण जो हमारे गले के यानी कंठ की मदद से बोले जाते हैं, उन्हें हम कंठ कहते हैं। कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं फ्रेंड्स? क, ख, ग, घ, अंगा। जैसे पूछ लिया घा, घा कौन सा मतलब स्पर्श व्यंजन है, किस प्रकार का स्पर्श है, तो आपको बताना है कंठ है। क्यों? क्योंकि जब भी आप बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, तो आप देखेंगे आपके कंठ की मदद से ये वर्ण बोले जाते हैं, इस वजह से इसे कंठ स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इसे कंठ के द्वारा ये बोले जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, जो स्पर्श व्यंजन का अगला जो पार्ट है, जिसे हम तालव्य कहते हैं। तालव्य क्या है फ्रेंड? जो हमारे तालु की मदद से, हमारे मुंह में तालु की मदद से जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम तालव्य कहते हैं। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? चा, छ, ज, झ, य, स, य, यानी जो सलीफा वाला शा, यानी इसे हम तालव्य शा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सा और या है चा वर्ण के अलावा, यानी जो चा वर्ग है, चा वर्ग के अलावा सा और या भी जो है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये तालव्य स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये या क्या है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, क्या है? तो फ्रेंड्स, चूंकि आप सभी जानते हैं कि आप तो याद कर लेते, रट लेते कि जो चा वर्ग है वो तो तालव्य है, लेकिन या को आप याद नहीं करते, और जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं खास करके जो अपवाद स्वरूप होते हैं, उन्हीं का प्रश्न बनता है परीक्षाओं में, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे उठाए जाते हैं। तो आपको या पता कर लेना है, याद कर लेना है कि जो या है और जो सा है, ये भी तालव्य व्यंजन है, तालव्य स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में इसे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स मूर्धन्य की, कि मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो फ्रेंड्स, मूर्धन जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें ट, ठ, ड, ढ, अण,
यानी जो टा वर्ग है, टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा अड़ा, ये तो इस मूर्धन्य में आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो द्विगुण व्यंजन जिनकी हम बात कर चुके हैं कि जो डा डा के नीचे जो बिंदी लगी रहती है और ढा जो बिंदी लगी रहती है, जो ड रा ढा होते हैं ये, और इसके अलावा रा, और जो ये जो पिटचुरवा सा जिसे आप बोलते हैं, ये भी मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से जब भी कभी क्वेश्चन जो बनता है खास करके सा के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कंठ है, तालब है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है, तो फ्रेंड्स आपको वहां पे बताना होता है कि ये क्या है, मूर्धन्य है। ऐसे यानी द्विगुण व्यंजन डा के दे दिया जाएगा, ढा दे दिया जाएगा, या कभी कभी रा भी दे दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि जो टा वर्ग है वो तो मूर्धन्य है, लेकिन कभी लोग रा और ड और सा के बारे में याद नहीं रख पाते। तो इस वजह से सब जो आपको याद रखना है, जो आपको परीक्षाओं में फेस करना है, वो क्या याद रखना है कि ड ढ र और सा ये मूर्धन्य होते हैं। क्यों? क्योंकि टा वर्ग तो आपको ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा, लेकिन याद क्या करना है, इन चारों को याद करना है कि ये भी मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा वर्णमाला सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखा करें, अगर एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत अच्छा साबित होगा किसी भी परीक्षाओं के लिए। आप देख लीजिएगा, अगर इस वीडियो को आप पढ़कर जाएंगे किसी भी एग्जाम में, तो कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएगा तो आपका क्वेश्चंस नहीं फंसेगा, ये 100% मैं गारंटी लेता हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को यानी इसको शेयर करें आपस में, और अपना खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी अगर कुछ कमियां हैं तो प्लीज उसको बताएं, मैं उसको इंप्रूव करूं, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूं जो इस प्रकार के वीडियो में चाहता हूं कि अपने दोस्तों को मैं उपलब्ध करवा सकूं, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें आसानी से ऐसी चीजें मैं उन्हें उपलब्ध करवा सकूं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मूर्धन्य के बाद क्या है, दंत व्यंजन, दंत स्पर्श व्यंजन क्या है। तो फ्रेंड्स दंत स्पर्श व्यंजन में ता था द धा ये क्या है, इसमें फ्रेंड्स जो दंत है इसमें ना भी रखा गया है, लेकिन ना को कहीं कहीं यानी वर्ष के कैटेगरी में भी डाला गया है, तो ये आपके दंत यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से, ता था धा दा धा ना, यानी जो ता वर्ग के वर्ण है फ्रेंड्स ये क्या है, ये दंत से दांत की मदद से बोले जाते हैं, दांतों की सहायता से, इस वजह से इन्हें दंत कहा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ओष्ठ, जो हमारे ओठ, जब हम ओठों की मदद से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं फ्रेंड्स प फ ब, तो ये हम क्या देखते हैं कि जो पा वर्ग है यानी पा फा बा भा मा, ये क्या है, ये ओष्ठ की मदद से बोले जाते हैं, ये ओठों की सहायता से बोले जाते हैं, इस वजह से फ्रेंड्स हम इसे क्या कहते हैं, इसे ओष्ठ स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो आपको याद करना है वो याद करना है वा, क्यों, क्योंकि पा वर्ग तो सभी याद कर लेते हैं कि पा वर्ग क्या है, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन है, लेकिन वा के बारे में कोई नहीं याद करता है। आपको क्या याद करना है, आपको वा को याद करना है कि वा जो होता है वो भी ओष्ठ स्पर्श व्यंजन होता है, तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे ढंग से इस चीजों को समझ पाए होंगे, और मैं कोशिश करूंगा हिंदी के किसी भी टॉपिक पे इतनी इजीली इतना आसान वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको समझने में बिल्कुल कोई निसंकोच, आप किसी चीज को समझ पाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, और इतने अच्छे तरीके से मैं आपको संधि पढ़ाने वाला हूं, समास पढ़ाने वाला हूं, छंद रस अलंकार पढ़ाने वाला हूं कि आप इस चीज को मैं गारंटी लेता हूं कि अगर एक बार आप उसको पढ़ लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद फ्रेंड्स आप लोगों के इसका जो वर्णमाला का सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है आपका वर्णमाला सेकंड पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।